मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिस 1 से 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के बारे में। सबसे पहले रिजल्ट नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का जो आपका चल रहा प्रोसेस, उसमें रायपुर का आया था शॉर्टलिस्ट का रिजल्ट CBT का 23 नवंबर को ही आया था आपका, सॉरी 23 अक्टूबर को, और आपका नवंबर चल रहा है और आज आपका 19 नवंबर है। तो अब उसमें 4 और 5 को DV हो चुका है कुछ पोस्टों का। अब बचे हुए पोस्ट जो हैं उसका भी DV स्किल टेस्ट का अपडेट आ चुका है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं, नहीं जान पाए हैं कि कब उनका DV होगा, किन किन पोस्टों के लिए, आपका देखिए पर्सनल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इनका आपका स्किल टेस्ट होना और DV होना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वीडियो का, आप लोग जाके देख लीजिए कि आपके किस डेट में DV आपका होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका स्किल टेस्ट होना। अब इसमें हम बात करेंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब इसमें हम बात करेंगे कि आपका DV में क्या क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या क्या ले जाना है। तो नीचे जाएंगे, देखेंगे, ये देखिए आप लोग दिया हुआ है, द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स पर्टेन टू दियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा मेंशन द एप्लीकेशन फॉर्म, फेलिंग विच दे मे नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो आपने जिस पोस्ट के अप्लाई किया उसके सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस, ये सभी इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भरा है सबको आपको ले जाना है वहाँ पे, ओरिजिनल सभी की कॉपी। उसके बाद आपका जो लोग जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी मस्ट ब्रिंग ये सेंट्रल रिसेंट ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जो लोग रिजर्व कैटेगरी के OBC EWS SC ST उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हो वाला सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू होता है। तो और उसके बाद फिर जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका ले जाना है। तो जिस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें आपको ले जानी है, तो आप लोग अपनी पूरी व्यवस्था बना लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सभी चीज़ों की तो अच्छे से। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट आपका 28 से शुरू हो रहा है, 28 नवंबर को आपका हो जाए, पहला दिन रहेगा। तो आप लोग अच्छे से व्यवस्था बना लीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए स्किल टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।